हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भरवा नींबू का अचार। ये खाने में तो स्वादिष्ट है, पेट के लिए बहुत फायदेमंद है और बनता भी बिना बनाया भी बिना तेल का है और सालों साल खराब नहीं होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने लिया है 1 kg के आसपास नींबू। उनको अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद मैंने इसे सुखा लिया है। आप इसे थोड़ी देर धूप में भी रख सकते हो। और ये पतले, इनका छिलका जो है वो पतला है ताकि जल्दी से अचार बन जाए। इसका अचार टेस्टी बनता है। तो इस तरह से हम एक नींबू लेंगे और उसे हम कट कर लेंगे। पूरा कट नहीं करेंगे, उसमें से जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से हम सभी नींबू को कट कर लेंगे। और जो बीज हमें दिखाई दे रहे हैं उन बीज को हम निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सब नींबू को काट लिया है। काटने के बाद अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए मैंने गैस को ऑन करेंगे, उस पर एक कढ़ाई रख देंगे और कढ़ाई में हम 3 चम्मच भरकर सौंफ डाल देंगे और थोड़ी सी लौंग डालेंगे और 1 चम्मच भर कर मैंने काली मिर्च डाली है और साथ में हम बड़ी इलायची डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे और अजवाइन डालेंगे और इनको हल्का ड्राई रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम हम लो रखेंगे। लो फ्लेम पर हमने इनको हल्का सा सेकना है। तो देखिए, हल्का सा ड्राई रोस्ट हो गया है। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और हम मिक्सी के जार में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। दरदरा ग्राइंड करना है। इन मसालों को हम एक बर्तन में डाल देंगे और डालने के बाद हम 2 चम्मच भरकर काला नमक डालेंगे और 2-3 चम्मच ही हम सफ़ेद नमक डालेंगे। और इसके बाद हम लाल मिर्च डालेंगे। आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हो। मैं ये नॉर्मल जो सब्जी में डालते हैं वो लाल मिर्च डाल रही हूँ। और इसके साथ हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे, यानी आधी कटोरी के आसपास चीनी है। आगे बताऊंगी कि चीनी और कब डालनी है। अब इसमें हम थोड़ा सा जिंजर पाउडर डालेंगे, यानी अदरक का सूखा हुआ पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सब मसालों को। देखिए, अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब एक बर्तन लेंगे, उस बर्तन के नीचे ये मसाला जो हमने बनाया है उसको डाल देंगे। फ्रेंड, इस तरह से आप अचार बनाओगे तो आपका सालों साल ख़राब नहीं होगा। 100% आपका परफेक्ट अचार बनेगा। एक नींबू लेंगे और अच्छे से ये फिलिंग हम उसमें भर देंगे और इस बर्तन में हम इसे रखते जाएंगे एक एक करके। तो देखिए, हमने फ्रेंड्स सब नींबू को भर लिया है। अगर आपको जल्दी अचार चाहिए तो आप इसमें क्या करो, एक सीटी लगवा लो कुकर में, तो आपका जल्दी अचार बनकर तैयार हो जाएगा 2 मिनट में। अब इन सब नींबुओं को हम एक साफ़ जार में डाल देंगे। मैंने साफ़ जार में डाल दिया है और बचे हुए मसाले को भी इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी चीनी और डालेंगे और साथ में हम 2 नींबू का जूस निकाल कर भी डाल देंगे। इस तरह से आप अचार बनाओगे, आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा और जल्दी अचार बनकर भी रेडी होगा। फ्रेंड, इसी तरह से आप पूरे टिप एंड ट्रिक के साथ अचार बनाइए। अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा, सालों साल चलेगा अचार।